हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं लेके आई हूँ वेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज, जिसका आप सभी रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो आज भी रेडी हो जाइए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एमपी टेट एमपी सुपर टेट मेन एग्जाम हो, चाहे केबीएस एनबीएस कोई भी फिजिकल एजुकेशन कम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी से रिलेटेड मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराया गया है। और डेली बेसिस में जो आपको 8 से 9 हज़ार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसका यह 71वां वीडियो है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की क्वेश्चंस की तरफ। डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको गलतियों भी सुधार कर सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, शरीर के लिए अपेक्षित संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या अनुपात होना अपेक्षित है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, आप सबसे ज़्यादा डेली बेसिस पे दैनिक जीवन में क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी हमको कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों का अनुपात हमारे खाने में होता है 4:1:1, यानी 4 भाग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो 1 भाग प्रोटीन, 1 भाग वसा, ठीक है, 4:1:1। जैसा कि पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, कितनी कैलोरी, 4.1, एंड 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी प्राप्त होती है, 4.1, एंड 1 ग्राम वसा यानी फैट से कितनी प्राप्त होती है, तो 9.1 कैलोरी। नेक्स्ट है, एथलीटों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, यह एक एर्गोजेनिक एड्स माना जाता है। यह मांसपेशियों में ऊर्जा भंडारण का कार्य करता है, उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन और अभिकथन दिए गए हैं नीचे। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभिकथन ये है कि इंद्रिय अंग सामान्य स्वास्थ्य स्तर को प्रकट करने का दर्पण है, एंड आर है, ए आपका सही लग रहा है, आर है उसके तर्क में कि त्वचा स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण दर्पण है। ये तो बात सही है, क्योंकि यह संचरण, मल निष्कासन, तो दोस्तों त्वचा से मल निष्कासन तो होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत लग रहा है। दूषित तत्वों का तो निष्कासन करता है, बट मल का निष्कासन नहीं करता, एंड रोग कीटाणुओं के प्रति प्रतिक्रिया देती है। तो उपरोक्त क्वेश्चन में कौन सही है? दोस्तों, इसका राइट हो जाएगा क, ए सही है, परंतु आर गलत है। सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो सही आंसर आप अवश्य दे लेंगे। नेक्स्ट है, कार्डियोवास्कुलर प्रणाली को सहनशीलता की प्रतिस्पर्धाओं के लिए अधिकतम प्रशिक्षित किया जा सकता है, यदि इसे इनमें लगाया जाए, क्या? दोस्तों, एरोबिक एक्सरसाइज, ठीक है। जहाँ भी कार्डियो वैस्कुलर प्रणाली सहनशीलता शब्द आ जाए, वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, एरोबिक एक्सरसाइज या प्रतिक्रिया में आएगा, तो अधिकतम प्रशिक्षित किया जा सकता है इसको एरोबिक एक्सरसाइज करके, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से मिलान करना है। जैसा कि दोस्तों, इसको हम क्या मिला है, इसका ऑप्शन ही मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें गलत ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे दिया है तेज गति की दौड़, तेज गति की दौड़ का आपका हो जाएगा अवरोध के विरोध में बल लगाने की योग्यता, ठीक है। इधर सूची 2 वाला चीजें आपको सही दिया है, बट यहाँ पे सिलेबस, पाठ्यक्रम, व्यावसायिक नैतिकता दिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया है सूची 2 में, लगता है टाइपिंग में गलत हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडोर वॉलीबॉल कोर्ट में न्यूनतम ऊंचाई आवश्यक है। तो इंडोर वॉलीबॉल कोर्ट में न्यूनतम कितनी ऊंचाई होती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं, ठीक है। एंड
आपका बैडमिंटन के इंडोर हॉल का ऊंचाई होता है 9 मीटर एंड बास्केटबॉल का 7 मीटर, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज का रिस्पॉन्स या परफॉर्मेंस एरिया क्षेत्र कितना होता है, तो 12×12 मीटर का होता है। एंड नेक्स्ट है, फुटबॉल मैच में कितने टाइम आउट दिए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं होता है, एक ही ऐसा गेम है जिसमें कोई टाइम आउट नहीं होता है। नेक्स्ट है, आप साधारण प्रयोग में जाइएगा, जैसा कि आप सबको आता होगा एक क्वेश्चन का आंसर, मैंने बहुत सारे वीडियोज में इसका प्रैक्टिस करा दिया है। आसन ए है लचकता, फ्लेक्सिबिलिटी को कौन मापता है दोस्तों, गोनियोमीटर, ठीक है। एंड बी है वाइटल कैपेसिटी या स्पायरोमीटर से मापा जाता है, जो फेफड़ों की क्षमता होती है श्वास लेने की। एंड शरीर संरचना यानी बॉडी कॉम्पोजिशन को मेजर करता है स्किन फोर कैलिपर। एंड ताकत यानी स्ट्रेंथ को मापता है डायनामोमीटर। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा केस स्टडी में प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है माप। एंड कौन कौन सा केस स्टडी में प्रयुक्त होता है, तो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, व्यक्तिगत सूची, ये प्रयोग होता है, बट माप आपका प्रयुक्त नहीं होता। एंड नेक्स्ट है, अकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं, तो अकृत परिकल्पना को अंतरहीन परिकल्पना, इन्फिनिट हाइपोथीसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है, आपको फिर से आपको सूची ए से टू से मिलान करना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए है केंद्रीय प्रवणता, तो केंद्रीय प्रवणता का हो जाएगा आपका ऑप्शन टू, यानी सभी अंकों को प्रकट करने वाला सर्वोत्तम एकक अंक, ठीक है। एंड बी है विचलता, तो बी का हो जाएगा वन, यानी माध्य के आसपास किसी समूह के विचलता अंकों का अनुमान। सी है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन यानी प्रमाप विचलन, इसका हो जाएगा थ्री ही, यानी प्रत्येक वैयक्तिक अंक और केंद्रीय प्रवणता अंक के बीच विभिन्नता का डिग्री। डी है डिफरेंस अंतर, इसका हो जाएगा फोर ही, ठीक है, मानक प्रमाण विचलन का स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको फिर से मिलान करना है, यहाँ पे है ये है दोस्तों सह संबंधित अनुमान यानी कोरिलेटेड रिसर्च, इसका आपका हो जाएगा टू, यानी कि विचलनों के बीच सापेक्षता की तलाश करने वाला अनुसंधान। एंड बी है सर्वेक्षण यानी सर्वे, इसका हो जाएगा वन, यानी वर्तमान अभ्यासों और विचारों को निर्धारित करने की विवरणात्मक अनुसंधान की विधि को कहते हैं सर्वे। सी है विकासात्मक अनुसंधान डेवलपमेंटल रिसर्च, तो इसका हो जाएगा थ्री ही, ठीक है, सी का थ्री, यानी कि इस अनुसंधान में कई वर्षों तक एक ही भाग लेने वालों का अध्ययन किया जाता है। डी है अनवायाम अध्ययन नॉन डिस्क्रिएशनरी स्टडी, इसका फोर ही हो जाएगा, यानी कई वर्षों तक व्यवहार में बदलाव का अध्ययन। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मांसपेशियों की ताकत का परीक्षण नहीं है, ताकत यानी स्ट्रेंथ यानी अनएरोबिक क्रिया हो गया, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में जो एरोबिक क्रिया होगा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करता होगा वही आपका ताकत का मेज परीक्षण नहीं होगा, तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आता है, बस उसको ढूंढने समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस वीबर टेस्ट, जैसे कि आप जानते हैं, ये मिनिमम मस्कुलर फिटनेस को मेजर करता है, यानी जो भी मस्कुलर वाले चीज होंगे वो ताकत यानी
अन्य एरोबिक चीज़ों में आ जाएंगी। रोजर परीक्षा भी आपका मार्शल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। फिलिप्स जेसीआर परीक्षण ये भी आपका स्ट्रेंथ को ही मेजर करता है, ठीक है। एंड टोटल पल्स रेशियो परीक्षण, ये स्ट्रेंथ को नहीं दोस्तों, ये सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस को परीक्षण है, एंड्योरेंस मापने का परीक्षण यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा, यह ताकत का परीक्षण नहीं है। इसके अलावा क्रॉस बीवर परीक्षण, रोजर परीक्षण, फिलिप्स जेसीआर परीक्षण ताकत का परीक्षण है। नेक्स्ट है ऑफर युवा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के कुछ अंग हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसमें 6 अंग हैं। इसमें आपका हो जाएगा पुल ऑफ, सिट ऑफ, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 50 यार्ड डैश एंड 600 यार्ड डैश आता है जो इसमें नहीं दिया है, ठीक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मिलाना है सूची 1 से 2 से एंड हड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये है ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे है आप सबको पता है, ऊपरी बाह के ऊपर की भुजा की अस्थियाँ होती हैं। एंड फीमर क्या है, जांघ की अस्थि यानी शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि होती है। कार्पस जो है हमारी कलाई की अस्थि होती है। एंड फेरेंजियल यानी अंगुलियों की अस्थियाँ होती हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एक तंत्रीय नेता क्या करता है, अपने सभी अधीनस्थों को निर्देश देता है। एक तंत्रीय नेता जो होता है वह अभी अपने सभी अधीनस्थों को निर्देश देता है। तब एक प्रजातांत्रिक साधन होता है उसमें सभी को इन्वॉल्व किया जाता है हर चीज में, लेकिन एक तंत्री में जो अपने अधीनस्थों को निर्देश देता है। नेक्स्ट है किसी उद्दीपन क्रिया के करने और उसके फलस्वरूप प्रथम प्रक्रिया के बीच का अंतराल है। तो किसी उद्दीपन क्रिया के करने और उसके फलस्वरूप प्रथम क्रिया के बीच का अंतराल को हम कहते हैं हलचल का समय। क्या कहते हैं, हलचल का समय। नेक्स्ट है अधिकतम सामान्य भार को कहते हैं। तो यहाँ पे सामान्य भार लग गया है तो इसका आंसर भी सामान्य भार यानी नॉर्मल लोड होगा। अधिभार ओवरलोड में क्या होता है कि ये अधिकतम सामान्य भार है, इसका आंसर सामान्य भार यानी नॉर्मल लोड हो जाएगा, ठीक है। एंड एक होता है मैक्सिमम लोड एंड अधिभार यानी ओवरलोड। ओवरलोड में क्या होता है दोस्तों कि जितना ऊर्जा हमको चाहिए होता है उतना हम खपत कर लेते हैं, उसके बाद ऊर्जा ख़त्म हो जाती है और उस कंडीशन में भी हम ट्रेनिंग करते रहते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा की भी कमी रहती है और ट्रेनिंग भी यानी उसमें ओवरलोड हो जाता है। जितना हमको प्रोवाइड चाहिए ऑक्सीजन की उतना नहीं पूरा हो पाता है, तो इस प्रकार ओवरलोड होता है। ओवरलोड हमेशा ही आपका हानि ही करता है। लोड आपका सही है, ट्रेनिंग भार जो है ट्रेनिंग लोड आपका सही है। स्टेप बाय स्टेप लोड को बढ़ाना चाहिए न कि एकाएक, ठीक है। एकाएक बढ़ा देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। नेक्स्ट है BMI, जिसको फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। ये हमारे शरीर की जो भार है हमारी लंबाई के हिसाब से अच्छा है या नहीं है इसको मेजर करता है। क्या हम अंडरवेट में आते हैं कि ओवरवेट में आते हैं कि नॉर्मल में, ठीक है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं BMI के द्वारा। तो इसका ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं आप कितने kg के हैं वेट, उसका बटे आप कर देंगे जितना आपका हाइट है उतना मीटर का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा। और यदि आपका 18 से कम है तो आप अंडरवेट में आएंगे यानी कि कुपोषण का शिकार हैं। एंड 22 के अंदर में हैं, 19 से 22 के बीच में, 23 के बीच में, तो आप ऑल गुड हैं, उससे ज़्यादा है तो ओवरवेट में आ जाएंगे मोटापे में, ठीक है। तो 22 दुनिया का सबसे बेस्ट BMI होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्प्लिट हॉफ पद्धति का प्रयोग किस परीक्षण के लिए होता है। तो दोस्तों यह होता है रिलेबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता परीक्षण में स्प्लिट हॉफ मेथड का प्रयोग होता है। स्प्लिट विश्वसनीयता क्या होता है कि एक ही समूह पर बनाए गए परीक्षणों को एक से अधिक बार टेस्ट किया जाता है
और हर बार परिणाम एक जैसे आए, यानी कि बार बार परीक्षण लेने पर एक जैसा स्कोर प्राप्त हो, तो उसे कहते हैं या रिलेबल है, यानी विश्वसनीय है। और इसके लिए 5 विधियां हैं रिलेबिलिटी ज्ञात करने के लिए, टेस्ट रिटेस्ट मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड, इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड एंड स्प्लिट हॉफ मेथड एंड कुडर रिचर्सन मेथड। स्प्लिट हॉफ मेथड में क्या होता है कि परीक्षा को एक बार ही आयोजित किया जाता है और जो प्रयोज्यों यानी सब्जेक्ट को उनके परिणाम के आधार पर 2 भागों सम विषम में बांट दिया जाता है। पहले भाग में विषम संख्या वाले क्रमांक एंड दूसरे भाग में सम संख्या वाले क्रमांक पर आने वाले सब्जेक्ट को परिणाम आते हैं। फिर दोनों में कोरिलेशन यानी सहसंबंध निकाला जाता है और जैसा सहसंबंध है उसके अनुसार उसको कहा जाता है कि गुड है या बैड है। एंड आपको जैसे कि इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्राइटेरिया फॉर इवेल्यूशन यानी क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट यानी किसी परीक्षा के लिए गुड क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो 3 होता है। एक होता है वैज्ञानिक प्रमाणिकता, दूसरा होता है प्रशासनिक व्यवसायिक व्यवहारिकता, तीसरा होता है आपका शैक्षणिक प्रयोग। तो वैज्ञानिक प्रमाणिकता में आपका 5 चीज़ें आते हैं, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड। इन 5 के बारे में जानने के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ों को डिटेल में जानिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आकुंचन तथा विस्तार यानी कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन किसके इर्द गिर्द होते हैं। तो यहाँ अक्ष यानी कि एक्सिस के बारे में पूछा है। जैसे कि मैंने किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स में बताया है टाइप्स ऑफ प्लेन एंड एक्सिस यानी तल और अक्ष क्या है। दोनों 3 प्रकार के होते हैं। प्लेन यानी कि तल जो है वो 3 प्रकार का होता है, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है सेजिटल प्लेन में। एंड दूसरा है फ्रंटल प्लेन, जिसमें क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं, जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है एंड गति दाएं बाएं यानी कि एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट होता है। एंड तीसरा होता है आपका प्लेन यानी कि अक्ष तल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। ये शरीर को ऊपर नीचे बांटता है और गति भी ऊपर नीचे होती है, सभी घूर्णी या चक्रीय गतियां होती हैं। और जिस बिंदु पर तीनों प्लेन यानी तल आके मिलते हैं उसे सीजी पॉइंट, सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट या क्रोनल पॉइंट कहते हैं। एंड अक्ष यानी एक्सिस भी दोस्तों, एक्सिस वो होता है काल्पनिक रेखा जिसमें चारों ओर गति होती है। यहाँ जैसे कि एक फिक्स पॉइंट होता है, तो एक्सिस भी अक्ष भी 3 प्रकार के होते हैं, फ्रंटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। तो जो फ्रंटल एक्सिस होता है ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, ये सेजिटल प्लेन के लंबवत होता है यानी इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दिया हुआ है मध्य पार्श्विक अक्ष। ठीक है, अगर प्लेन कहाँ होता है दोस्तों, सेजिटल प्लेन आपका राइट होता है, लेकिन अक्ष कहाँ है तो मध्य पार्श्विक अच्छा पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विस्तार और आकुंचन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन कहाँ नहीं होते हैं। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे आसानी से आंसर आ जाएगा। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट कहाँ नहीं होते हैं, तो सर दोस्तों नितंब में होते हैं, नितंब के ज्वाइंट में, कोहनी यानी एल्बो के ज्वाइंट में होता है, घुटने यानी नी के ज्वाइंट में होता है, बट खोपड़ी जो है अचल संधि है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं संधि 3 प्रकार की होती है, चल, अचल और अर्धचल। ठीक है, तो चल संधियों में गति होती है, अर्धचल संधियों में भी थोड़ा थोड़ा होता है, बट अचल यानी खोपड़ी जो है अचल संधि है, इसमें कोई गति नहीं होता। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक गति है, इसे नहीं होता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खोपड़ी की जोड़। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय है गतिशील मानव। नेक्स्ट है सर्वाधिक सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे विकल्प है साकर एक गेम है, साकर एक स्पोर्ट भी है, साकर एक प्ले है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साकर एक गेम भी है और स्पोर्ट भी है। नेक्स्ट है दोस्तों
कि कठिन व्यायाम के दौरान थकावट उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो आप सबको पता है लैक्टिक एसिड का निर्माण होना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे क्रायो चिकित्सा, कंट्रास्ट बाथ, वर्लपूल बाथ, तीनों के तीनों जल चिकित्सा यानी हाइड्रोथेरेपी का भाग है, बट वैक्स बाथ आपका नहीं है, यह मौन चिकित्सा का भाग है, पैराफिन बाथ का। नेक्स्ट है, समूह संशक्ति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सोशियोग्राम। नेक्स्ट है दोस्तों, सही विकल्प को चुनिए कि व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सार भाग, व्यक्तित्व का सर्वाधिक बुनियादी स्तर यह है, तो यह क्या है दोस्तों, यह आपका है आंतरिक तथा स्थिर। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक सार भाग व्यक्तित्व का आंतरिक तथा स्थिर जो है बुनियादी स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिटनेस क्लब्स NFC का आरंभ कब किया गया था, तो 1965 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे आपके एमपी टेट में। नेक्स्ट है, इनमें से क्या विषम है, तो एंगल ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज, रिलीज स्पीड, यहाँ पे क्या विषम है आपको ये देखना है। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ टेक ऑफ विषम है और ये तीनों सेम है, मतलब कुछ समानता पाए जाते हैं तीनों में। नेक्स्ट है, इनमें से किसका संबंध विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से नहीं है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य के रिकॉर्ड रखना विद्यालय स्वास्थ्य का कार्यक्रम का भाग है, स्वास्थ्य शिक्षा भी है, स्वास्थ्य निरीक्षण भी है, बट रोगों का नियंत्रण यानी कि रोगों का इलाज वहाँ पे नहीं है उसके कार्यक्रम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ओलंपिक गेम्स में ठोस स्वर्ण मेडल दिए गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक दिए गए 1904 में, बट सबसे पहले ठोस स्वर्ण पदक दिए गए 1912 में, राइट हो जाएगा ग, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश किसका स्रोत है, जैसा आप सबको पता है सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि सभी तत्व पाए जाते हैं, जिससे हड्डियों और दांतों के लिए, हमारे शरीर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है, तो दोस्तों दार्शनिक शोध को संकल्पनात्मक शोध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल छोटा होगा या बड़ा, यह किस पर निर्भर करता है, तो सैंपल दोस्तों जैसा कि मैं क्या होता है इसको मैं बताई हूँ पहले वाले वीडियो में, तो सैंपल छोटा होगा या बड़ा यह जनसंख्या के अभिलक्षण और विशेषक पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है, जब जेड मान 2.58 के बराबर या इससे अधिक हो, तो यह निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि माध्य और मीन्स के बीच सार्थक अंतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, 0.01 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस वेबर टेस्ट से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों इसे न्यूनतम मांसपेशी शक्ति यानी मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मापा जाता है, 1954 में यह बनाया गया। नेक्स्ट है, चय अपचय अनुकूलन है, तो चय अपचय अनुकूलन जो है बढ़े हुए कार्य भार के साथ चय अपचय दर का समायोजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक गेम्स का शीर्ष निकाय है, तो दोस्तों ओलंपिक गेम का शीर्ष निकाय है IOC, इसे पीएचडी कोबोर्डिन ने 1994 में पेरिस के सर्बोन नामक स्थान पर बनाया था, और इस संगठन का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, लुसानी स्विट्जरलैंड, एंड इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कली। नेक्स्ट है, खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है, तो खेल किसी भी चीज का प्रथम प्रबंध उसका नियोजन यानी प्लानिंग होता है, यहाँ पे राइट हो जाएगा नियोजन।
नेक्स्ट दोस्तों, टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहते हैं? तो टीम प्रतियोगिता योजना ब्लूप्रिंट को रणनीति यानी स्ट्रेटजी बोला जाता है। एंड दोस्तों, आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, इसलिए आप देख लीजिएगा अगर गलती होगा तो। नेक्स्ट दोस्तों, कि काइमेटिक्स पैरामीटर्स में कौन से कारक शामिल है? तो काइमेटिक्स पैरामीटर में इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कि वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन काइनेमेटिक पैरामीटर्स में शामिल है। ठीक है, काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स में शामिल है, जिसमें बल कैसे उत्पन्न होता है, ये सब का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रदर्शन से संबंध फिटनेस में कौन से कारक शामिल हैं? तो प्रदर्शन से संबंध फिटनेस में कौन से कारक शामिल हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि पैर की विस्फोटक शक्ति एंड प्रतिक्रिया करने की योग्यता। नेक्स्ट है, एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किन रूपों में यांत्रिक लाभ उपलब्ध कराता है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है फोर्स एंड रेसिस्टेंस के, एंड द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार यानी कि रेसिस्टेंस बीच में होता है फोर्स और एक्सिस के, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में फोर्स बीच में होता है रेसिस्टेंस और एक्सिस के। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को संतुलन का लीवर, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को बल का लीवर, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को गति का लीवर कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किन रूपों में यांत्रिक लाभ उपलब्ध कराता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि यह गति, शक्ति, संतुलन के रूप में यांत्रिक लाभ उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है, जीवन के जैविक आधार में शामिल है। तो दोस्तों, जीवन के जैविक आधार में शामिल है शारीरिक व्यायाम एंड आहार, शारीरिक व्यायाम एंड आहार। तो यहाँ पे घ, रू, 2 और 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह संशक्ति का विकास किन पर आधारित होता है? तो इसका सही जवाब होगा 1, 3 और 4, यानी कि टीम उत्पादन उपादान, नेतृत्व उपादान एंड पर्यावरणीय उपादान। समूह संशक्ति का विकास इन पर आधारित होता है, समूह में व्यक्तिगत चीज तो आएगा नहीं, इसलिए अपने आप गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, दबाव के व्यक्तिगत स्रोत हैं। तो दबाव के व्यक्तिगत स्रोत हैं अनुवांशिक दुश्चिंता एंड स्वाभियान। ठीक है, स्वाभियान, अनुवांशिक दुश्चिंता एंड स्वाभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक आचार शास्त्र में क्या शामिल है? तो दोस्तों, किसी भी व्यावसायिक आचार शास्त्र में उसके नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज एंड उसका निष्ठा शामिल होता है। तो 1 और 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि ग। नेक्स्ट है, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एंड स्पोर्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हैं चार्ल्स ए बूचर ने फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एंड स्पोर्ट्स नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे कोट दिया है दोस्तों, इसमें कोट तो लेना नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। मैंने भी यशवंत सिंह की बुक में ही देखा है कि फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एंड स्पोर्ट्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो चार्ल्स ए बूचर ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया है, आंसर आपका घ दिया है, 4, 3, 2, 1, यानी कि चार्ल्स ए बूचर एंड जॉनसन एंड नेल्सन, क्लार्क एंड क्लार्क, एम एल कमलेश, इन सभी ने फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पर बुक लिखा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन सबसे पहले चार्ल्स ए बूचर ने ही लिखा है। तो दोस्तों, ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे उन तक भी वीडियो पहुँच सके और डेली बेसिस पे ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड आप नए हैं चैनल पे, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।